संघ प्रदेश प्रशासन दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव द्वारा 61वें मुक्ति दिन के अवसर पर दमन समाहर्ता तपस्या राघव द्वारा दमन कलेक्ट्रेट पर तिरंगा फहराया गया। तदुपरांत समाहर्ता तपस्या राघव ने वहां पर उपस्थित लोगों को संबोधित किया। दमन एवं दीव के माननीय सांसद श्री लालू भाई पटेल, उपस्थित स्वतंत्रता सेनानीगण, जिला पंचायत के प्रेसिडेंट श्री बाबूभाई चीवा पटेल, दमन नगर पालिका की प्रेसिडेंट श्रीमती सोनल ईश्वर पटेल, जिला पुलिस अधीक्षक श्री अमित शर्मा, जिला पंचायत के सदस्यगण, दमन नगर पालिका के सदस्यगण, उपस्थित अधिकारीगण एवं कर्मचारी, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, मीडिया कर्मी, दमन जिले के समस्त अग्रणी नागरिकगण और प्यारे साथियों, आप सभी को मैं आज दमन दीव के 61वें मुक्ति दिवस की इस ऐतिहासिक एवं महत्वपूर्ण दिन पर ढेर सारी बधाइयां देती हूँ। आज ही के शुभ दिन लगभग 450 वर्ष की गुलामी के बाद वर्ष 1961 में दमन दीव पुर्तगाली शासन से मुक्त हुए थे। मुक्ति के इस संघर्ष में कई वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। आज दमन जिले के जिला समाहर्ता के रूप में अपने प्रथम आयोजन पर मैं सबसे पहले उन शहीदों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, जिन्होंने बहादुरी के साथ इस प्रदेश को विदेशी शासन से मुक्त कराया। हमारे संघ प्रदेश के नागरिकों की तत्परता और सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारियों की प्रतिबद्धता के कारण कोरोना महामारी में दमन दीव और दादरा नगर हवेली ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करके पूरे देश के स्तर पर अपना एक विशेष स्थान बनाया था। खास तौर पर वैक्सीनेशन के दूसरे डोज को घर घर तक पहुंचाना होगा। कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के हमारी तैयारी चौबंद हो, इस हेतु साधारण जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मारवाड़ हॉस्पिटल और नर्सिंग कॉलेज का भी विकास तेजी से जारी है। आइए मुक्ति दिवस के इस अवसर पर हम सब मिलकर ये प्रतिज्ञा लें कि दमन को कोरोना मुक्त बनाकर रखने में अपना अपना सहयोग देंगे। आज आप सबको मुझे ये बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि कोरोना महामारी के बावजूद इस विपदा से संघर्ष करते हुए दमन जिले ने माननीय प्रशासक श्री के मार्गदर्शन और यहाँ के अधिकारियों और कर्मचारियों की तत्परता और कर्तव्य निष्ठा के कारण विकास के नए कीर्तिमान प्राप्त किए हैं। विकास की इस यात्रा का सबसे ज्वलंत उदाहरण जम्पोर सी फ्रंट रोड का निर्माण है। शायद ये कहना कहीं से भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जब तक जम्पोर सी फ्रंट रोड वास्तविकता में साकार होकर सबके सामने नहीं आ गया, तब तक किसी ने इस बात की कल्पना नहीं की होगी कि जम्पोर सी फ्रंट का इस तरह से भी विकास किया जा सकता है। आज जम्पोर सी फ्रंट रोड हमारे जिले में पर्यटन का आकर्षण करने का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरा है। अगर जो है वह साल और छड़ी श्री मोहन भाई रणकाबाई हरपति रिंगनवाड़ा के निवासी है और स्वतंत्र सेनानी के उपाध्यक्ष भी है। उनको समाहर्ता महोदया डॉक्टर तपस्या राघव मैडम साल और छड़ी देकर उनका अभिनंदन करेगी।